हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। हमने जो लास्ट टॉपिक है रेन की बात करें तो एनिमल फिजियोलॉजी के जो टॉपिक चल रहे थे, तो हमने जो लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया। अब अगला जो टॉपिक आता है अपना, तो ये आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। मेन रूप से हम यहाँ पर जो फिजियोलॉजी है वह ह्यूमन बीइंग की पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हम किसका पढ़ेंगे? ह्यूमन का। ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखिए, तो सबसे फर्स्ट में देखिए, हम ये देखें रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो पार्ट है वो किस यूज में आता है, क्या रहता है। तो नॉर्मली यदि हम देखते हैं, कोई भी लिविंग बीइंग जो होता है, या कोई भी एनिमल्स, या कहें कि कोई भी प्लांट होते हैं, किसी प्रकार के एनिमल्स या प्लांट की बात करें, या फिर हम ये कहें कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहता है वह अपनी स्पीसीज को जैसे कंटिन्यूस बनाए रखे, इसके लिए वह रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करता है। और उस प्रोसेस के अंदर ऑफ स्पेरिंग या फिर कहें डॉटर जो रहते हैं उनको प्रोड्यूस करता है। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम ये कहें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर डायरेक्ट रूप से हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि ह्यूमन, तो ह्यूमन बीइंग एक ऐसी प्रोसेस के करता है जिसके द्वारा वह अपने जैसी ही जो ऑफ स्पेरिंग जो रहता है या डॉटर जो है उसको प्रोड्यूस कर देता है, और ये प्रोसेस जो रहती है वो रिप्रोडक्शन कहलाती है। तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के अंदर जो भी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम जो इन्वॉल्व होता है उसे हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसी के साथ में देखिए कि यदि ह्यूमन की बात करें तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो रहते हैं वो अलग अलग एनिमल्स में पाए जाते हैं। फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। यहाँ पर जो हम बात करें या फिर ये कहें कि ह्यूमन जो बीइंग है वो यूनिसेक्सुअल होता है, यदि हम इसकी बात करें तो कैसा हुआ? यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल का मतलब हुआ कि यदि हम इसको देखें तो हम ये कहेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेकंड जो पार्ट यदि हम बात करें फीमेल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म का क्या मीनिंग हुआ कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग एनिमल में है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग एनिमल में है, तो ये जो है वो कहलाएंगे यूनिसेक्सुअल। यहां पर हम ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन में भी यही होता है, या कहीं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग है ह्यूमन में होते हैं, और इसी आधार पर जो है इनको अलग अलग है हम स्टडी करेंगे। तो जो फर्स्ट में हम बात करेंगे वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो पहला जो हम पार्ट पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और ये पार्ट भी हम पढ़ेंगे ह्यूमन में। तो देखिए यहां पर हम पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन ये टॉपिक है। अब हमने ये कहा कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है, अब इनके देखिए क्या फंक्शन रहते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो रहता है उसके द्वारा जो रहता है मेन रूप से गैमेट्स बनते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहेगा इसमें किसका फॉर्मेशन होगा? गैमेट्स का। तो जो गैमेट्स हैं इसका फॉर्मेशन होगा, मेल है तो मेल गैमेट्स, तो यहां पर जो है मेल गैमेट्स। सेकंड जो पार्ट रहेगा उसके अंदर रहेगा फीमेल, फीमेल गैमेट।
ये मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स होते हैं ये आपस में फ्यूज होंगे, जुड़ जाएंगे। तो जैसे ये फ्यूज होते हैं, ये जुड़ेंगे, तो इस समय यहां पर बनता है जाइगोट, और जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। और हम ये कहें कि इससे, इस एम्ब्रियो से ही इसका जो, जब भी ग्रहण होता है, जब इसका जन्म होगा, उसके बाद जो रहता है एक न्यू डॉटर जो उत्पन्न हो जाता है, या फिर कहें कि इसकी कॉपी बन जाती है। तो ये जो प्रोसेस रहती है, इससे जो हम बात करेंगे, न्यू डॉटर, और ये प्रोसेस कहलाती है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, तो देखिए ये प्रोसेस क्या कहला रही है, रिप्रोडक्शन। एक मेल गेमेट्स, एक फीमेल गेमेट्स, ये आपस में फ्यूज होंगे, फ्यूज होने पर जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से न्यू डॉटर बनते हैं, इससे अडल्ट बनता है, अडल्ट फिर से यही प्रोसेस होते हैं, उसको रिपीट करता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस जो रहती है वो भी रिप्रोडक्शन की। अब यहां पर देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करेगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। तो सबसे मेन बात ये आई कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके द्वारा मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। एक तो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, या इम्पोर्टेंट जो इसका फंक्शन होता है, वो यही होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके द्वारा कुछ हार्मोन्स रहते हैं, उनका भी सीक्रेशन किया जाता है। तो जो हार्मोन्स रहेंगे उनका सीक्रेशन होगा, उनसे जो सेकेंडरी सेक्सुअल जो करेक्टर रहते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर रहते हैं वो भी इस सिस्टम के ग्लैंड से ही होते हैं। अब हमारा यहाँ पर आ जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो रहता है, इसको फिर से दो भागों में डिवाइड किया। दो पार्ट इसके कौन कौन से हैं, देखिए दो पार्ट हैं इसमें से। फर्स्ट पार्ट जो रहता है उसे कहते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और दूसरा है सेकेंडरी। देखिए ये जो है इसके अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इन दो पार्टों में डिवाइड किया। प्राइमरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इस ऑर्गन की बात करें तो इसमें आता है टेस्टिस। तो मेल जो रहता है उसमें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की यदि बात करें तो वो रहेगा टेस्टिस। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके अंदर पूछा जाता है कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो क्या है, तो उसमें टेस्टिस आता है। टेस्टिस छोड़कर के रिप्रोडक्शन के अंदर जो भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हमने कहा सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसकी बात करें तो इसके अंदर है सेक्रोटम है, इसके बाद एपिडिडाइमिस है, इसके बाद वास डिफरेंस है, इसके बाद यूरिथ्रा है, इसके बाद पेनिस है, और इसके बाद सेक्स एसेसरी ग्लैंड होते हैं। तो इन सभी को अब हम देखते हैं एक एक पार्ट करते हुए, कि सबसे फर्स्ट में हम बात करें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर कहें टेस्टिस। तो टेस्टिस की यदि हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग के अंदर वन पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस यदि हम बात करते हैं तो ये बॉडी से आउटर साइड में प्रेजेंट होते हैं, और बॉडी से आउटर साइड में प्रेजेंट होने का रीजन क्या रहता है कि यदि बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस ये होता है बॉडी टेम्परेचर। लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसका मेन फंक्शन होता है गैमेट्स का फॉर्मेशन या स्पर्म। इसका फंक्शन क्या रहेगा, गैमेट्स या स्पर्म फॉर्मेशन, ये इसका मेन फंक्शन है। लेकिन गैमेट्स या स्पर्म जो रहते हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस पर हम ये कहें सरवाइव नहीं कर पाते।
और हम ये कहें इनका डेवलपमेंट नहीं होता है, इनकी डेथ हो जाती है। तो ये जो पार्ट रहता है, ये टेस्टी जो रहते हैं वो बॉडी से आउटर साइड में होते हैं, और वहां टेम्परेचर हम बात करें 37 न होकर के 37 से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होता है। तो इससे जो लो टेम्परेचर होने के कारण ये गैमेट्स होते हैं, इनका डेवलपमेंट हो जाता है, ये सरवाइव कर पाते हैं। तो ये एक रीजन ये भी है कि टेस्टिस बॉडी से आउटर साइड में क्यों प्रेजेंट है, तो इसके पीछे हुआ है कि बॉडी टेम्परेचर पर जो गैमेट्स होते हैं या फिर कहें स्पर्म होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं, और क्योंकि इस टेम्परेचर पर ये सर्वाइव नहीं करते। और बॉडी से आउटर साइड में होने पर टेम्परेचर कम हो जाता है, और कम होने पर ये गैमेट्स या स्पर्म होते हैं ये सर्वाइव कर पाते हैं। इसके बाद देखिए जो टेस्टिस होते हैं, इसके मेन रूप से यदि हम देखेंगे तो इसके अंदर दो पार्ट मिलेंगे। ये जो पार्ट है कि प्राइमरी जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, इसके अंदर दो पार्ट है। दो पार्टों के अंदर एक जो पार्ट रहता है जो सेक्रेटरी पार्ट रहता है, ग्लैंड की तरह कार्य करता है, और वो लीडिंग सेल्स होती है। दूसरा पार्ट रहता है वो गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। तो यहां पर हमने ये कहा कि इसके अंदर मेनली टू पार्ट्स हुए, एक पार्ट में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और गैमेट्स का फॉर्मेशन इसके अंदर होता है, इसको देखिए। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसके हमने जो दो पार्ट बताए हैं, फर्स्ट है सेमनीफेरस ट्यूबुल। तो यहां पर जो टेस्टिस रहते हैं, इस टेस्टिस के अंदर जो इस प्रकार से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई रहती है, ऐसे इस टाइप से टेस्टिस। देखिए ये जो पार्ट रहता है ये है टेस्टिस, ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हमने जो ये पार्ट जो यहां पर प्रेजेंट किया है, जैसे ये जो पार्ट है ये पार्ट टेस्टिस है। इस टेस्टिस के अंदर देखिए इस तरीके से यहां पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इस तरीके से। तो ये जो रहती है इनको कहा जाता है सेमनीफेरस ट्यूबुल, और सेमनीफेरस ट्यूबुल है इनके द्वारा गैमेट्स या कहें कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इनका जो फंक्शन रहता है वो रहता है गैमेट्स, गैमेट्स फॉर्मेशन, ये फंक्शन रहेगा इनका। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा, इसके आउटर साइड में जो पार्ट रहता है उसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर देखिए लीडिंग सेल होती है, और लीडिंग सेल जो रहती है इसके द्वारा एक हार्मोन का सीक्रेशन होता है, और हार्मोन जो रहता है वो है टेस्टोस्टेरोन। यानी यहां पर जो हार्मोन है वो हार्मोन हुआ टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन रहता है, इस हार्मोन के द्वारा ह्यूमन बीइंग में सेकेंडरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो करेक्टर रहते हैं वो करेक्टर प्रोड्यूस हो जाते हैं इस हार्मोन के कारण। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इसका सीक्रेशन किस ग्लैंड के द्वारा किया जाता है, तो टेस्टिस के द्वारा इसका सीक्रेशन किया जाता है। यदि सेल्स की बात आए तो लीडिंग सेल्स होती है। इसके बाद हम बात करें कि देखिए ये जो पार्ट था कि यहां पर जो ये कंप्लीटली ये पार्ट हमने ये शो किया है, ये तो ये पार्ट हुआ टेस्टिस। इसके बाद इस टेस्टिस को छोड़ करके जो भी पार्ट रहेंगे वो है इसके सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसकी बात करें या ऑर्गन है, इसके अंदर सबसे पहले आता है सेक्रोटम। सेक्रोटम हुआ ये पार्ट, यानी इस टेस्टिस को चारों ओर से सराउंड किया हुआ जो पार्ट रहता है ये पार्ट। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, तो इस पार्ट को हमने कहते हैं सेक्रोटम। सेक्रोटम है, इसके आउटर साइड के अंदर सेकेंडरी जो रिप्रोडक्टिव जो करेक्टर होते हैं, तो उस समय इसके आउटर साइड में हेयर्स जो रहते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे एपिडिडाइमिस, यानी सेकेंड जो इसका ऑर्गन है वो हुआ एपिडिडाइमिस। अब एपिडिडाइमिस के पार्ट की बात करें तो देखिए ये पार्ट, ये यहां से ये पार्ट, तो एपिडिडाइमिस जो रहता है लगभग 6 मीटर लेंथ की एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है,
तो ये जो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये इस प्रकार से एक गुच्छे के रूप में यहां पर रहती है। तो ये जो पार्ट है इसका मेन फंक्शन क्या रहेगा कि जो स्पर्म है या गैमेट्स है वो यहां पर फॉर्मेशन होंगे, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो रहती है इसमें बनेंगे गैमेट्स, यहां पर गैमेट्स बन रहे हैं। ये जो गैमेट्स होते हैं इन गैमेट्स को इधर है, यानी ये जो टेस्टिज है इससे आउटर साइड में जो भेजने का कार्य करेंगे, तो यहां पर होते हैं ये एपिडिडाइमिस, ये सेकंड पार्ट। तो ये जो सेकंड वाला पार्ट रहता है, जैसे ये पार्ट फर्स्ट था और ये हुआ इसका सेकंड पार्ट, तो जो एपिडिडाइमिस रहता है जो गैमेट्स बढ़ते हैं इनको टेस्टिज से आउटर साइड में लेकर जाता है। इसके बाद में देखिए इसके अंदर कुछ चेंजमेंट भी करता है, यानी जो स्पर्म रहते हैं उनमें कुछ चेंजमेंट करता है, या फिर कहें कि यहाँ पर आकर के स्पर्म मैच्योर होते हैं। यदि एपिडिडाइमिस के अंदर स्पर्म नहीं आएंगे तो वो मैच्योर नहीं होंगे और उनके अंदर फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी नहीं होती है। तो यदि इस तरीके से हो कि भाई यहाँ पर जो टेस्टिज है यहाँ से स्पर्म जो निकाले जाए और जो ओएग रहते हैं उसके पास रखे जाए, तो क्या वह फर्टिलाइजेशन कर पाएगा? तो नहीं कर पाता है, क्योंकि एपिडिडाइमिस जो रहता है उसके अंदर कुछ चेंजमेंट करता है, उसको मैच्योर करता है, उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन करते हैं। इसके बाद जो थर्ड आता है, तो थर्ड इसके अंदर ये जो वासा डिफरेंस, ये थर्ड पार्ट हम बात करें इस वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस क्या होता है, एपिडिडाइमिस से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहती है जो एब्डोमिनल कैविटी में आती है, और एब्डोमिनल कैविटी में आकर के जो ये यूरिनरी जो ब्लेडर रहता है, देखिए ये जो पार्ट हुआ यूरिनरी ब्लेडर, तो यूरिनरी जो ब्लेडर रहता है इस यूरिनरी ब्लेडर के अंदर इसके ऊपर से घूम करके आता है इधर से, कि जो वासा डिफरेंस है, देखिए यहां से वासा डिफरेंस का पार्ट ये यहां से है ये पार्ट, तो वासा डिफरेंस इस तरीके से आ रहे हैं यूरिनरी ब्लेडर के ऊपर से घूम करके आते हैं, और ये आकर के यहां पर हम देखें कि ये जो पार्ट रहता है सेमिनल वेसिकल्स जो रहता है इसकी ट्यूब के साथ अटैच होता है। तो यहां पर ये पार्ट हुआ। इसके बाद में हम अगला जो पार्ट है उसकी बात करें, वासा डिफरेंस जो पार्ट है इसके बाद है, देखिए अगला जो पार्ट सेमिनल वेसिकल्स का पार्ट है, इसको हमने अलग किया है यहां पर ग्लैंड के साथ में। इसके बाद देखिए यूरिथ्रा, देखिए तो यूरिथ्रा ये पार्ट रहता है कि यहां पर यूरिनरी ब्लेडर जो ये पार्ट है इससे यूरिन, और इधर से हम बात करें कि ये जो है सेमिनल, जो इधर से जो हम बात करें यूरिनरी ब्लेडर से यूरिन, और इसके बाद ये जो वासा डिफरेंस है ये पार्ट यहां से सीमेन आता है, और ये दोनों एक ट्यूब में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए एक ट्यूब तो ये है जिससे यूरिन आता है, एक ट्यूब ये है, और इस ट्यूब से जैसे सीमेन आता है, ये दोनों ट्यूब यहां पर एक हो जाती है, और ये जो ट्यूब रहती है इस ट्यूब को कहा जाता है यूरिथ्रा। और यूरिथ्रा यदि हम बात करें तो यह यूरिथ्रा एक पोर के द्वारा, यानी जर्म पोर जो रहता है इसके द्वारा पेनिस से होती हुई आउटर साइड के अंदर ओपन हो जाती है। तो ये पार्ट रहता है इसका यह यूरिथ्रा। पेनिस की बात करें तो पेनिस जो है बॉडी से बाहर एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, और इसमें से ही यूरिथ्रा जो रहता है इसके बीच से ही आती है, और ये जो स्ट्रक्चर हुई ये पेनिस की हो जाती है। इसके बाद में हम बात करें कि सेक्स एसेसरी जो ग्लैंड, सेक्स एसेसरी जो ग्लैंड होती है वो हम ये कहें कि थ्री पेयर्स में होती है। फर्स्ट यदि बात करें सेमिनल वेसिकल्स, तो सेमिनल वेसिकल्स ये पार्ट हुआ, यहां पर जो गैमेट्स होते हैं उनको स्टोर किया जाता है, साथ में यहां पर हम बात करें तो सीक्रेटरी जो पदार्थ रहते हैं उनको सीक्रेट किया जाता है यहाँ से, यानी एक लिक्विड पदार्थ जो रहता है सबस्टेंस उसका सीक्रेशन किया जाता है इस जगह पर यहाँ पर। इसके बाद देखिए कि ये जो पार्ट रहते हैं कि हम ये कहें कि सेमिनल वेसिकल्स रहते हैं,
और सेकंड जो पार्ट जो रहता है वासा डिफरेंस रहता है, ये दोनों पार्ट आपस में जुड़ जाते हैं, इलेक्ट्रिक जो डक्ट है इसका फॉर्मेशन करते हैं। देखिए इधर से हम बात करें तो इधर से ये पार्ट, या फिर कहें कि वासा डिफरेंस जो पार्ट तो ये हुआ, यानी वासा डिफरेंस पार्ट हम बात करें तो ये घूमता हुआ इस जगह पर आया, ये पार्ट हुआ। दूसरा यदि हम बात करें तो दूसरा पार्ट हुआ सेमिनल वेसिकल्स, ये पार्ट। जब ये दोनों पार्ट यहां पर आकर के हम ये कहें कि आपस में जुड़ गए, और जुड़ने के बाद जो ट्यूब बनाते हैं उसको बोल देते हैं इजेकुलेटरी ट्यूब बोलते हैं, तो इजेकुलेटरी ट्यूब हो जाती है। ये जो इजेकुलेटरी ट्यूब होती है ये यहाँ पर यूरिनरी ब्लेडर जो रहता है इसकी ट्यूब से कनेक्ट होती है और इसके बाद यूरिथ्रा बनाती है। तो एक जो ग्लैंड, तो हम ये कहें वन पेयर जो ग्लैंड होता है वो तो ये होता है। इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, जो यूरिनरी ब्लेडर रहता है उस ब्लेडर के पास में ही यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे जैसे एज तो उस समय ये जो काउपर ग्लैंड होती है, जो प्रोस्टेट, ये प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है इसकी साइज इंक्रीज हो जाती है, और यूरिन का जब हम एक्सक्रेशन करते हैं उस समय पेन होता है। इसके बाद में यदि हम बात करें तो अगली ग्लैंड होती है वो काउपर ग्लैंड होती है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड के पास ही प्रेजेंट होती है। देखिए ये तीनों जो ग्लैंड होती है पैर के रूप में होती हैं, और इनके द्वारा एक लिक्विड जो लुब्रिकेंट पदार्थ जो रहता है उसका सीक्रेशन किया जाता है, और जो स्पर्म जो रहते हैं हम ये कहें कि उसको एक प्रकार से प्रोटेक्शन करते हैं, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये जो पार्ट रहते हैं ये हुआ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसके अंदर हमने दो पार्टों में डिवाइड किया था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के पार्ट की बात करें तो टेस्टिस है, और सेकेंडरी की बात करें तो हमने ये सारे पार्ट हैं इनको अलग अलग डिवाइड किया है। तो ये अपना जो टॉपिक है जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये हमने इसी के साथ ही बताया कि टेस्टिस जो रहता है, इस टेस्टिस की जो लीडिंग सेल्स रहती है उनके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो रहता है वो मेन जो रहता है उसके अंदर सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जो रहता है उनको प्रोड्यूस कर देता है। अब मेन रूप से कई बार ये क्वेश्चन आता भी है कि मेल या फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है वो क्या क्या होते हैं। तो ये जो कैरेक्टर है इनमें देखिए, सबसे फर्स्ट में यदि हम मेल की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल, इसके अंदर डीपनिंग वॉइस की, वॉइस जो रहता है उसकी डीपनिंग हो जाती है, हम नॉर्मली कहते हैं कि आवाज भारी हो जाती है। इसके बाद ऑयली स्किन की, स्किन जो रहता है वो ऑयली हो जाती है। इसके बाद अगला ग्रोथ ऑफ हेयर की, बॉडी के अंदर जो हेयर रहते हैं उनकी ग्रोथ हो जाती है, लेकिन कहाँ कहाँ पर ग्रोथ होती है यदि इनकी बात करें तो अंडर आर्म्स जो रहते हैं वहां पर हेयर्स जो रहते हैं उनकी ग्रोथ होती है। प्यूबिक हेयर्स, जो प्यूबिक हेयर्स, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल जो ऑर्गन्स जो रहते हैं इन पर हेयर्स जो रहते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, कि मेन रूप से यदि हम बात करें सेक्रोटम जो रहता है यहाँ पर जो होते हैं हेयर्स जो रहते हैं इस पार्ट के अंदर, प्यूबिक पार्ट के अंदर हेयर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद जो आता है फेशियल हेयर, तो बियर्ड, जो फेशियल हेयर बियर्ड है तो फेस पर जो है हेयर आ जाते हैं, नॉर्मली हम इसको कहते हैं दाढ़ी मूछ का आ जाना। इसके बाद है इंक्रीज मसल्स मास की, मसल्स जो रहते हैं उनके अंदर जो है इंक्रीज, उनके मास में इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमारा पार्ट था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसके अंदर हमने इसकी स्ट्रक्चर भी है और साथ में हम ये कहें सेकेंडरी जो करेक्टर होते हैं ये भी हो गए हैं।